जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार यादव आप सबके सामने लेकर आया हूँ। झारखंड सामान्य अध्ययन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे मित्रों। जो भी हाल ही में झारखंड पीजीटी होने वाला है झारखंड राज्य में, तो उसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुने, मेरी बातों को समझने का प्रयास करें। पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे विषय के बारे में अगर हम चर्चा कर ले थोड़ा सा, कि झारखंड सामान्य अध्ययन का जो विषय लॉन्च किया गया है हमारी चंद्रा क्लासेस प्रयागराज द्वारा, तो इसमें हम थोड़ी सी बात कर लें। तो जैसे कि यहाँ पे जो विषय किया दिया जाएगा दोस्तों, तो जो विषय में आपका जो 100 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स का जो आपका होगा, इसमें आपको मिलेगा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह पूछा जाएगा आपका सामान्य अध्ययन कहाँ से दोस्तों, सामान्य अध्ययन और हिंदी, सामान्य हिंदी। अर्थात आपके 100 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलेंगे, और जबकि 150 क्वेश्चन आपके संबंधित विषय से भी रहेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो 100 मार्क्स है आपकी विषय की तैयारी, तो लगभग आप लोग कर रहे होंगे या करते भी होंगे या लगे होंगे, तो जो विषय की तैयारी उसमें तो आप लोग लगे ही लगे हैं। इसके साथ साथ आपको सामान्य अध्ययन की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, 100 मार्क्स आपको यहीं से प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए, लगभग ये परीक्षा में 400 अंकों का होगा, 250 टोटल, 250 अगर हम देखें यहाँ पे, तो टोटल 250 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 250 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, और यह परीक्षा लगभग 400 अंकों की होगी, 400 अंकों की होगी। ठीक, तो चलिए इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सामान्य अध्ययन के बारे में। झारखंड सामान्य अध्ययन के चर्चा के विषय हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कि आखिर में जो हमारा सामान्य अध्ययन का जो टॉपिक है, वहाँ से कहाँ से आने की संभावना है। दोस्तों, मेरा जो भी पढ़ाने का अनुभव रहा है अभी तक, और मुझे जहाँ तक लगता है, देखिए, सिलेक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें कि अगर हमें समय, निर्धारित समय के अंतर्गत हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो थोड़ा सा हमें अपने स्ट्रेटजी में बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, जब तक कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें अपनी स्ट्रेटजी को दो तरह से फिट करना चाहिए। एक तो आपका सिलेबस, सिलेबस की समझ, और दूसरा आपका हो जाता है मित्रों प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कहने का मेरा मूल मकसद ये है कि आप लोग सिलेबस की जानकारी बहुत अच्छे से डीपली लें, और दूसरी बात ये कि आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी देखें। इससे आपको पता चलेगा कि जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं, उसका लेवल क्या है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। अगर आप अपनी तैयारी करते हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग एक अच्छी रणनीति के तहत, अपनी प्लानिंग के तहत, आप लोग निश्चित समय में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, और झारखंड जो पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप लोग को निर्धारित ही आपको सफलता मिलेगी। फिलहाल थोड़ा सा हम सामान्य अध्ययन के बारे में चर्चा कर लें। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं आपका कि झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि झारखंड जिले के बारे में बहुत हमें विस्तार से पता होना चाहिए, कहाँ पे इसकी भौगोलिक सीमा। अगर छोटा सा मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँ, कि जो हमारा झारखंड राज्य है, यह कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो आपकी भौगोलिक सिचुएशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। प्लस उसके साथ साथ आपकी राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे झारखंड विधानसभा से संबंधित या झारखंड राज्य से संबंधित जो इस समय पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, करंट के इशू चल रहा है, वहाँ पे राज्यपाल कौन है, ये बेसिक जानकारी आपको कहीं ना कहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है ये बेसिक जानकारी से भी प्रश्न आपको यहाँ से ज़्यादा मात्रा में पूछे जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस को मैं बहुत डिफाइंड कर रहा हूँ अपने लैंग्वेज में। आप लोग ध्यान से समझें, ध्यान से सुने, फिर आगे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य के भूगोल, झारखंड राज्य के भूगोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। भूगोल का तात्पर्य मैं थोड़ा सा आपको बता दूं,
कि बहुत हमें डीपली भूगोल नहीं पढ़ना है, बहुत हमें यहाँ पे डीपली भूगोल में नहीं जाना है, वरन हमें क्या करना है मित्रों, झारखंड स्पेशल का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको देखते हुए वहाँ पे क्लाइमेट किस तरह का होता है, क्लाइमेट के साथ साथ तो वहाँ पे अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, जैसे कि झारखंड में हमारा रांची, रांची धनबाद झरिया, अगर हम धनबाद की चर्चा करें दोस्तों, तो धनबाद में आप देखते हैं कि सबसे धनबाद और झरिया जो है हमारा, वहाँ पे कोयला का सबसे ज़्यादा खुदाई होता है, और खुदाई होने के साथ साथ वहाँ पे जो हमारा जो वहाँ का एनवायरनमेंट है क्या किस तरह की कंडीशंस करता है, तो उसके बारे में आपको कहीं ना कहीं जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा तो कुछ ना कुछ घुमा के पूछेगा, और आपका उसके लिए बेस मजबूत होना चाहिए, अर्थात बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे झारखंड के भूगोल की चर्चा करेगा, इसमें इसके साथ साथ हम देखते हैं इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति के साथ साथ, चूंकि झारखंड हमारा आदिवासी क्षेत्र वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, झारखंड छत्तीसगढ़ वगैरह हुआ, ये हमारा बहुत ही आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ पे उन सब की उनकी संस्कृति प्लस उनके रहन सहन के संबंध में भी हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ वहाँ की भाषा शैली, स्थान, खान खनिज, अभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे स्पेशली कोयले की जो खदानें हैं उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछ सकता है, और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड के लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वहाँ के प्रमुख नेता कौन रहे, इनकी चर्चा हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि झारखंड जो राज्य है दोस्तों आपको पता है कि बिहार से ही इसको अलग किया गया है, बिहार से काट कर ही झारखंड एक नया राज्य बनाया गया था, तो यहाँ की संस्कृति के बारे में हमें बहुत विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए, प्लस वहाँ के उद्योग के संबंध में, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे कि झारखंड का योगदान जो विकास योजनाओं में, जो विकास योजनाएं चल रही हैं पूरे भारत में, उसमें झारखंड का योगदान क्या है, तो सीधे सीधे एग्जाम्पल के रूप में बता दूँ कि हम लोग कोल माइन करते हैं, कोयला की माइनिंग होती है, और आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि कोयले के माइनिंग से जो हमारे विद्युत घर चलाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में झारखंड से ही कोयले प्राप्त किए जाते हैं, तो कुछ इस तरह के प्रश्नों को आपका एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ झारखंड से खेल खिलाड़ी की हम चर्चा करें थोड़ा सा, तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम आप में से कौन नहीं जानता, ठीक, अर्थात हमें खेल से संबंधित कुछ फेमस व्यक्तित्व की भी चर्चा करनी है, उनके बारे में सामान्य जानकारी भी हमें प्राप्त होना चाहिए। फिर वहां से देखते हैं दोस्तों नागरिक उपलब्धियां प्लस राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय से इत्यादि, कहने का मतलब यहाँ पे ये सीधे सीधे करंट का इशू आ जाएगा, यहाँ पे करंट अफेयर्स आ जाएगा, ठीक, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आ जाएगा, और जो भी मैंने आपको बात बताई मित्रों, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमें करंट तो पढ़ना है, लेकिन स्पेशली झारखंड विशेष को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना है, ताकि झारखंड राज्य में जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफिकल हो, चाहे किसी भी तरह की घटना है, तो वहाँ से हमें स्पेशली रूप से हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उम्मीद है आपको सिलेबस को मैंने जिस तरह से डिफाइन किया आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग झारखंड पीजीटी की तैयारी में लग गए हैं, किसी अपने विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप लोग चंद्र क्लासेस प्रयागराज का जो एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप जो भी बच्चे चंद्र क्लासेस प्रयागराज के ओल्ड स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा मैं ओल्ड स्टूडेंट के लिए बात कर लूँ, ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो उनके पास जो स्लिप है वो एप्लीकेशन के माध्यम से संस्था को भेज देंगे, तो उनको ₹500 का जो डिस्काउंट दिया गया है दोस्तों, ₹500 का जो डिस्काउंट दिया गया है, ₹500 का डिस्काउंट दिया गया है, तो इस तरह से जो उनकी फीस मिलेगी, फीस बनेगी दोस्तों, तो यह फीस उनकी बनेगी 999, अर्थात 900, मात्र 999 रुपये, मात्र 999 रुपये, ठीक। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो भी, उनको जो चार्जेस दिया गया, उनकी जो फीस रखी गई है मित्रों, उनकी जो फीस है वह आपकी 1499 रुपये है, कितना, 1499 रुपये मात्र। तो ये आपके पास फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग अपने विषय यहाँ पे इस क्लास में जब एप्लीकेशन पे जाएंगे आप लोग, या इंक्वायरी नंबर सीधे सीधे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे,
9264915953 आपका यहाँ चंद्रा क्लासेस प्रयागराज का ये इंक्वायरी नंबर है। आप लोग इस इंक्वायरी नंबर पे भी आप लोग संपर्क करके जो भी आपके डाउट्स हो आप लोग क्लियर कर लें। और एक बात और कि सफलता हमें ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। मैं आपको डरा नहीं रहा लेकिन वास्तविकता से सामना करा रहा हूँ दोस्तों। बस एक बार ठान लिए हैं आप लोग कि नहीं हमें झारखंड पीजीटी किसी तरह से क्रैक करना है, तो उसमें हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी पॉइंट आपके लिए हल्का नहीं है कि हाँ हम इसको बाद में कर लेंगे, बाद में छोड़ेंगे तो बाद में करते रह जाएंगे। अभी हाल ही में कल से ही अर्थात 8 मई से ही एक नया बैच लॉन्च हुआ है झारखंड पीजीटी के लिए। सामान्य अध्ययन का भी कोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक। तो आप एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जो भी इनको आपके पास क्वेरीज हो, क्वेश्चन क्वेरीज हो, तो आप लोग इस संपर्क सूत्र पे जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए 500 का डिस्काउंट करके 999 रुपये फीस रखी गई है, और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए जो फी रखा गया है मित्रों बहुत मामूली सा फीस 1499 रुपये मात्र रखा गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।